से वापस आते हैं, आपका अपना जो है ना वो घर के काम कंप्लीट हुए होते हैं। क्योंकि मुझे सुबह सुबह काम करना पसंद है, ज़रा सा लेट जाओ तो फिर आप पे सुस्ती छा जाती है, सुस्ती छा जाए तो फिर काम नहीं होता है। ऐसे ही है ना, मेरी तरह की और भी ऐसी होंगी जिनके साथ ये मसले हैं कि जब तक वो घर क्लीन ना कर ले, सारी चीज़ क्लीन ना कर ले, तब तक उन्होंने रेस्ट वेस्ट कुछ नहीं करना होता। चले जनाब, मैं जल्दी से अब क्लीनिंग कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे है जनाब जी अब मोपिंग की बारी। तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए, यहाँ पे ना आप वीक में दो दफ़ा जो है थोड़ा सा ब्लीच मॉप के ऊपर डाल लें, या जिस बाल्टी वगैरह से आप पानी यूज़ करते हैं उसमें डाल के मॉप किया करें, ठीक है। एक तो ये भी जरासीम कश होती है, ठीक है, आपके जर्म्स नहीं रहते फ्लोर पे, और दूसरी बात ये कि इससे जितना फ्लोर है ना इसमें शाइनिंग आती है। और आज बाथरूम वॉश करते हुए भी मैं आपको एक टिप दूंगी, जो ज़्यादा तेज़ाब यूज़ करते हैं ना उनके लिए टिप होगी कि आप अगर साथ साथ मेरे वाले तरीके से भी रखेंगे ना अपना वॉशरूम क्लीन, तो आपको ज़्यादा जो है ना बहुत जल्दी जल्दी तेज़ाब की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि तेज़ाब जो होते हैं ना, ब्लॉग में कोई नई टिप और ट्रिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें, और जाते जाते जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।